नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आई रुक करते हैं खबर की ओर। खैरनगर में तैनात दरोगा पर रिश्वत का आरोप, एंटी करप्शन टीम दरोगा को हिरासत में लेकर सदर कोतवाली में कर रही है पूछताछ। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरनगर में तैनात दरोगा राजीव सिंह चौहान पर दहेज के एक मामले में रिश्वत मांग लेता सनसनीखेज आरोप लगा है। इसकी भनक लगते ही एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को हिरासत में लिया और उसे सदर कोतवाली लेकर पहुंची, जहां टीम के अधिकारियों दरोगा से कमरे में पूछताछ करने में जुटे। मामले को लेकर जब एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह मीडिया से बचते नजर आए और जांच पूरी होने तक कुछ भी बोलने से इनकार किया। बताते चले कि पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सीबू सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।